तो यार आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के बारे में, मतलब जेजे के वर्स के बारे में। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करें, हम बात करेंगे गोजो भैया के बारे में। यार इस बंदे का जो एटीट्यूड है ना, वो जो पावर्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्सर है। तो आज की वीडियो में ना हम इसकी पावर्स को और जो टेक्निक्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, वो पावर के हिसाब से रैंक करने वाले हैं, मतलब पूरी डिटेल में हम गोजो भैया की पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सुकुना के किसी दिन दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आज बात करने वाले हम गोजो भैया की। भाई ये करेक्टर मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशली पसंद है। तो देखो हम सबसे पहले है ना अटैक्स की बात करें तो वो आता भाई टेलीपोर्टेशन। हाँ गोजो टेलीपोर्ट कर सकता है। आप यदि ना देखो जुजुत्सु काइसन शुरू से देख रहा है, मतलब सीजन फर्स्ट से, तो आपने देखा होगा वो ना जुगो से फाइट कर रहा होता है, तब वो ना टेलीपोर्टेशन का यूज़ करता है। हमें कंफर्म नहीं बताया गया है कि गोजो है ना टेलीपोर्टेशन की पावर को कैसे यूज़ करता है, लेकिन देखो हम कुछ थ्योरीज की माने तो वो क्या करता है, वो है ना स्पेस और टाइम के अंदर थोड़ी छिड़कानी करके टेलीपोर्टेशन करता है। अब देखो एग्जैक्टली नहीं पता वो कैसे यूज़ करता है, लेकिन देखो वो है ना ऐसा नहीं है वो अकेले ही टेलीपोर्ट हो सकता है, वो साथ में किसी भी दूसरे इंसान को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता है। हमने देखो सीजन फर्स्ट के अंदर देखा था वो यूजी के साथ है ना टेलीपोर्ट हो जाता है, वो अकेला खुद ही टेलीपोर्ट नहीं होता है, वो यूजी को भी ना जोगो के सामने लेके आ जाता है। तो भाई उसकी ये पावर है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मैंने अभी देखा है तो जेजे के वर्स के अंदर ना किसी दूसरे करेक्टर को, शायद कोई तो और दूसरा भी टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन मैंने अभी तक उसको टेलीपोर्टेशन करते हुए नहीं देखा। तो इस पावर की हम बात करें टेलीपोर्टेशन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसे ना 10th नंबर पर रैंक कर रहा है। अगली हम पावर की बात करें, मतलब अटैक की बात करें, तो भाई वो आता है स्ट्रेंथ। भाई गोजो के पास है ना इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, तो देखो उसके पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो स्ट्रेंथ के अंदर ना कर्स एनर्जी यूज़ करता है या नहीं करता, या हमें मांगों में भी कन्फर्म नहीं करा गया है, ना ही हमें एनिमे सीरीज के अंदर दिखाया गया है। लेकिन भाई जो गोजो की जो पावर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है भाई, वो सुकुना से भी फाइट करता सीजन 1 के अंदर, और हमें एक इनर जब देखा था मूवी जो जुजुत्सु काइसन की जीरो मूवी थी उसके अंदर वो फाइट करता। भाई जो गोजो की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। भाई अभी जो है ना गोजो वैसे सुकुना चल रहा है उसके अंदर, भाई क्लोज कॉम्बैट के अंदर सुकुना ना गोजो को नहीं हरा पा रहा है, तो हमें इससे पता चलता है कि गोजो के पास भाई इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ भी है। अगले हमें ना अटैक की बात करें तो आता है ब्लैक फिस्ट। हाँ ये वही अटैक है ना जो यूजी भी यूज़ करता है, टोडो भी यूज़ करता है, हमारे नानमी भी यूज़ करता है। अब देखो इस अटैक को यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इस अटैक को यूज़ करने के लिए होता क्या है, आपको है ना अपनी कर्स एनर्जी जो भी सामने वाला इंसान है या जो भी कर्स स्प्रेड है उसको मारने से पहले आपको क्या करना है, आपको ना 0.00 सेकंड के अंदर उसका जो कमज़ोर पॉइंट है उस पर आपने ना अपनी कर्स एनर्जी की फुल पावर से उस कमज़ोर जगह पर अटैक करना है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसको भी ना यूजी कर सकता है, नानमी भी कर सकता है और टोडो भी। तो देखो हम बात करते हैं ब्लैक फिस्ट की। अभी गोजो वैसे जो सुकुना चल रहा है भाई उसके अंदर ना गोजो ने ब्लैक फिस्ट का यूज करा है। देखो स्टार्टिंग में हम बात करें तो कुछ जगह हमें दिखाया, एनिमे में नहीं दिखाया, लेकिन हम बात करते हैं मांगा की, तो मांगा में ना उसने कई जगह इस पावर को यूज करा है, लेकिन वो सही से इस अटैक को यूज नहीं कर पाता है गोजो। लेकिन देखो उसने जब सुकुना पे इसका वार करा था, मतलब ब्लैक फिस्ट का वार करा था, भाई सुकुना उससे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है, तो आप समझ सकते हो भाई सुकुना पे इस चीज का असर हो रहा था, कितनी पावरफुल टेक्निक है। अब आती है भाई 7वें नंबर की जो अटैक है या उसकी जो टेक्निक है, मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स कर्स टेक्निक। देखो इस टेक्निक की हम बात करें तो ये टेक्निक वर्क कैसे करती है, देखो गोजो इसको यूज कर सकता है। तो देखो हम इस टेक्निक की बात करें तो भाई इसको है ना गोजो ने कब यूज करना सीखा था, भाई जब तोजी वर्सेज गोजो की फाइट हुई थी, तोजी ने लगभग गोजो को मार दिया था, तो सामने वाला बंदा भाई मरते था, मतलब जब उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, उसने ना हार नहीं मानी, उसने क्या करा भाई, वो है ना इसको लोग गोजो ऐसे ही नहीं बोलते भाई, उस बंदे ने ना अपने आखिरी टाइम में भी वो है ना कर्स टेक्निक सीख रहा था, मतलब उसको पता है मरने वाला हूँ, उसके पास लाइफ चॉइस थी, उसने खुद को बचाने के लिए इस कर्स टेक्निक को उसे ऑन द स्पॉट सीखा, उसने किसी दूसरे से नहीं सीखा, उसने खुद ने इसको अपने अंदर देखा और चीज को सीखा। रिवर्स कर्स टेक्निक की हम बात करें तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करती है, ये क्या करती है, जो नेगेटिव कर्स एनर्जी होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। देखो इससे गोजो क्या कर सकता है, खुद को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है, हील भी कर सकता है। हम गोजो की ब्रेन की बात करें तो भाई गोजो ने अपने दिमाग पे, मतलब जितने भी वो अटैक्स यूज करता है अपने दिमाग को और अपने बॉडी को इसे रिकवर करता है। अब देखो सुकुना भी ना इस टेक्निक को यूज कर सकता है, लेकिन भाई देखो सुकुना क्या करता है, वो दूसरे के इंसान को, मतलब दूसरे के शरीर को भी पूरा रिकवर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं यूजी की, वो ना यूजी को भी फुली रिकवर कर लेता है उसका हाथ कटने के बाद भी, लेकिन गोजो के साथ ऐसा नहीं है, वो ना सिर्फ खुद को ही रिकवर कर सकता है इस टेक्निक के अंदर। अग्नि हम टेक्निक की बात करें तो या अटैक की बात करें तो वो आती है लिमिटलेस। तो यार देखो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट अटैक है, मतलब ये अटैक नहीं है एक तरीके से डिफेंस है। हम बात करते हैं देखो गोजो की, तो देखो है ना जब जुगो वर्सेस है ना गोजो की फाइट हो रही थी, तो अभी ना गोजो ने एक्सप्लेन करा था उसकी लिमिटलेस आखिर कैसे वर्क करती है। भाई ये क्या करती है ना, स्पेस को मैनिपुलेट करती है, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करके क्या करती है, जो भी सामने वाला उसकी तरफ अटैक कर रहा है गोजो की तरफ, वो उसकी ना स्पीड को स्लो कर देती है। भाई ये काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, इससे आपको है ना अनब्रेकेबल कवच मिलता है, यानी कि शील्ड मिलती है एक तरीके से। भाई गोजो है ना जुगो के अटैक से ना इसी चीज से बच पाता है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट टेक्निक है, मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है। अगली हम टेक्निक की बात करें या अटैक की बात करें तो भाई वो आती है 6 आइस।
हाँ भाई, ये ना गोजो की आंखें हैं। देखो ये ना गोजो फैमिली के अंदर ना काफी टाइम से पास डाउन होती जा रही है। जैसे हमें शारिंगान देखने को मिलती है नारुतो के अंदर, वैसे जेजे के वर्स के अंदर एक पावर है सिक्स आइस, वही हमें गोजो की फैमिली के अंदर देखने को मिली है। लेकिन देखो मेनली चीज ये आती है कि सब लोगों को तो मिलती तो है, लेकिन इसको ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाते। हम गोजो की बात करें गोजो फैमिली की, तो 400 से 500 साल बाद ही कोई ऐसा मतलब गोजो बंदा जो पैदा हुआ है जो चीज को यूज कर सकता है। और गोजो साथ में लिमिटलेस को भी इसी तरीके से यूज कर पाता है। मतलब गोजो की जितनी भी टेक्निक है ज्यादातर वो सिक्स आइस पर ही डिपेंड करती है। काफी पावरफुल टेक्निक है। देखो ये मदद कैसे करती है गोजो को, भाई गोजो के पास है ना जो कर्स एनर्जी भाई वो यूटा से कम है। हम बात करें उसकी जो एनर्जी ना वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो सिक्स आइस है ना उसको पूरी है ना अच्छे तरीके से मतलब मैनेजमेंट के साथ है ना कर्स एनर्जी को यूज करने में सिक्स आइस काफी ज्यादा मदद करती है। भाई ये ना गोजो अपने आंखों पे जो पट्टी बांध के रखता है भाई, वो इसलिए बांध के रखता है कि उसकी जो सिक्स आईज है ना वो सामने वाले की कर्स एनर्जी को भाई आसानी से देख सकती है। उसे सामने वाले का अटैक करना कितनी कर्स एनर्जी है, वो कितना कर्स एनर्जी से अटैक कर रहा है, वो उसे आसानी से दिख जाता है। और इसी चक्कर में उसे क्या काफी सारी चीजें दिखती है, इस चक्कर में ना अपनी आंखों पर पट्टी डाल के रखता है ज्यादातर टाइम, उसे इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो। अब जो अटैक आने वाला है भाई है वो ब्लू। भाई ब्लू की हम पावर की बात करें तो भाई इसके गोजो को है ना हमें काफी टाइम यूज करते हुए देखा है। भाई एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, देखो आपने ब्लैक होल की थ्योरी तो सुनी होगी, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। ब्लैक होल में क्या होता है भाई, किसी भी जगह पे आप फुल पावर को या किसी भी चीज को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो, काफी ज्यादा छोटा कर दो, मतलब अपनी अर्थ की हम बात करें तो हम अर्थ को एक मटर के दाने जितना छोटा कर देंगे तो भाई वो एक ब्लैक होल बन जाएगी अर्थ। कुछ इसी टेक्निक को क्या है हम इसी फिनोमेनन पे हमें देखने को मिलते हैं भाई गोजो की ब्लू पावर। गोजो क्या करता है, एक स्पेशल जगह के अंदर क्या करता है, काफी सारी कर्स एनर्जी को कंप्रेस कर देता है। उससे क्या होता है उसकी जो पावर है ना ब्लू बनती है। भाई ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन पावर है। भाई ब्लू है ना काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन हम बात करें तो इससे ज्यादा पावरफुल है भाई रेड। भाई रेड है ना ब्लू से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसको यूज कैसे करता है, मतलब इसका जो फिनोमेना है उसको आखिर कैसे यूज करा जाता है। गोजो क्या करता है भाई, इसको रिवर्स कर्स टेक्निक है ना उसका यूज करता है इसके अंदर। रिवर्स कर्स टेक्निक के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है ना उसको पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम इसी फिनोमेना पे हमें देखने को मिलती है भाई रेड टेक्निक, जो रेड अटैक है। गोजो क्या करता है भाई ना, वो सामने वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके एक ही जगह पे फोकस करके भाई वो है ना रेड अटैक को परफॉर्म करता है। और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हमने देखा भाई टोजी तो उससे बच गया था, लेकिन काफी ज्यादा जो कर्स एनर्जी होती है जो मतलब नॉर्मल टाइप की से भी थोड़ी हाई लेवल की होती है भाई, वो रेड को आसानी से झेल नहीं पाती है। काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक। तो देखो अगला जो अटैक है भाई वो है डोमेन एक्सपेंशन। भाई मैं बात कर रहा हूँ गोजो भैया की। भाई गोजो भैया का जो डोमेन एक्सपेंशन है भाई पूरे जुजुत्सु काइसन का जो भी जितना भी वर्ल्ड है जेजे के वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल भाई इसी का है। हम बात करते हैं सुकुना की, तो भाई जो सुकुना का जो डोमेन है भाई उससे ज्यादा पावरफुल भाई गोजो का है, अनलिमिटेड वॉइड। तो देखो हम इस डोमेन की अटैक की हम बात करें तो उसके अंदर होता क्या है, जैसे ये डोमेन बनता है तो उसके अंदर जो भी बंदा फंसा होता है, मतलब जो भी अपोनेंट फंसा होता है तो उसका जैसे ही वो डोमेन के अंदर आता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके ब्रेन पे है ना अनलिमिटेड मतलब देखा जाए तो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन के अंदर डाली जाती है, मतलब जबरदस्ती उसके ब्रेन में घुसे जाती है। तो उससे क्या होता है, उसका पूरा ब्रेन डैमेज होता है। देखो असली दुनिया हो या जेजे के पास, सबसे ज्यादा कमजोर चीज हमारी होता है ब्रेन। इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो भाई जो सामने वाला जो अपोनेंट होता है उसके दिमाग में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका उसका दिमाग झेल नहीं पाता है। और देखो नॉर्मल इंसान की बात करूँ, जैसे मेरा जैसा बंदा उसके डोमेन में जाता है वो तो जाते से ही मर जाएगा। हम बात करते हैं जुगो की, देखो जुगो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस चक्कर में ना उस डोमेन के अंदर डायरेक्टली नहीं मरता, तो गोजो क्या करता है उस पर डायरेक्ट हिट कर देता है, उसको मार देता है, बिल्कुल मुंडी उखाड़ देता है। तो भाई ये ना ये काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है अभी तक जेजे के वर्स का, मुझे स्पेशली काफी ज्यादा पसंद है। अगली हम टेक्निक की बात करें या नंबर वन अटैक की बात करें जो सबसे पावरफुल है, बोलो टेक्निक पर्पल। भाई ये काफी पावरफुल अटैक है गोजो का। ब्लू टेक्निक पर्पल की हम बात करें तो अभी मैंने सीजन 2 के ना फाइट देखी थी गोजो वर्सेस तोजी, उसका ना गोजो ने फर्स्ट टाइम उसको यूज करा था। देखो उसको यूज करने के लिए करते क्या है, तो देखो मैंने आपको ना रेड भी बताया था और ब्लू भी बताया था। इस कर्स एनर्जी को यूज करने के लिए क्या करता है गोजो, रेड और ब्लू दोनों को मर्ज कर देता है, मतलब दोनों की पावर को सेम टाइम पे यूज करता है। तो उससे क्या होता है, येलो पर्पल यूज होता है। तो देखो इसकी हम पावर की बात करें तो स्पेशल जो कर्स ग्रेट होते हैं भाई वो भी इस चीज को नहीं झेल सकते। गोजो का जो होलो पर्पल है ना भाई, भाई जेजे के वर्स करने सबसे पावरफुल अटैक है अभी तक जितने भी मैंने अटैक्स देखे। तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो मेरी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सीरियस समझा रहा था आपको। देखो मेनली हम बात करें तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे कमेंट करो, मैं इस वीडियो पर टारगेट करता हूँ भाई 200 लाइक का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो 200 लाइक जल्दी कंप्लीट करवा दो, मैं आपको ना गोजो से रिलेटेड कंटेंट लाने की कोशिश करो। और पहली बात, मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ गलती करी है, भले आप लाइक करो ना करो, लेकिन क्या गलती करी है वीडियो को नीचे कमेंट करो भाई। आप अच्छी तारीफ करो नहीं, लेकिन जो गलती करी है वो प्लीज नीचे जाके बताओ, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंप्रूव कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में।